बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी विवर्त, आज आपको बताते हैं ज़रा ये चावल की फ़सल के बारे में। तो ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं, चावल की फ़सल अब तकरीबन ये एंड पे पहुंचने वाली है। ये इसके फल वगैरह लग चुके हैं, जो बालियां हैं, और अभी तकरीबन कोई 20-25 दिन या 1 माह का काम है। तकरीबन अक्टूबर के एंड में इसकी कटाई वगैरह शुरू हो जाएगी। और इस दफ़ा थोड़ा सा ये महंगा प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि डीज़ल बार बार महंगा होता रहा, तो डीज़ल की वजह से ये थोड़ा सा महंगा हो गया। अब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये तकरीबन कुछ 4-1 माह की फ़सल होती है। 4 माह में इसका पहले पनीरी सी अलहदा नर्सरी लगाई जाती है, और नर्सरी के बाद फिर इसको एक एक करके पौधा लगाते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल आपको जब ये लगती है तो उस वक़्त भी दिखाएंगे। तो अभी माशाल्लाह ये तैयार होने वाली है, फल वग़ैरह लग रहे हैं इस पर, खाद वग़ैरह DAP यूरिया 2-3 स्प्रे करने पड़ते हैं। तो इस तरह जाके ये तैयार होती है। इसमें सबसे अहम जो काम है वो इसके लिए पानी है, तो पानी हर वक़्त इसमें तकरीबन खड़ा रखना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पानी है, तो पानी पे ये ज़्यादा फसल होती है, उसी से ये इसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। बाकी खादें, स्प्रे और ये सारा कुछ ये इसमें शामिल है। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, मज़ीद भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आप जो है प्लीज़ मेरा चैनल जैश इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।